कोनिचिवा मिनासान वतासिवा रोहित दिस। मेरा नाम रोहित विश्वकर्मा है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था अबाउट द स्क्रिप्ट जैपनीज लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया था हीरागाना, काताकाना और कांजी होता है, जिसमें मैंने आपको हीरागाना के बारे में बताया था कि हीरागाना जो जैपनीज ओरिजिनेटेड है, और काताकाना फॉर फॉरेन वर्ड्स के लिए काताकाना यूज किया जाता है, और कांजी जो होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है लिखने का। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ को हीरागाना में लिखना है, उसके बाद उसको पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कांजी में भी लिख सकते हैं आप। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना तो हीरागाना से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जब हम सीख जाते हैं तो फिर कांजी का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी बेस पे हम ये वीडियो लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हीरागाना। हीरागाना क्या होता है, इसको लिखते कैसे, इसमें कितने लेटर हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, स्ट्रोक ऑर्डर कैसे होते हैं, लिखने का वे क्या है, तरीका क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हीरागाना। हीरागाना जो है 46 इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 आपके वॉवेल्स होते हैं और रिमेनिंग्स 41 जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हीरागाना में। हीरागाना में जो फर्स्ट है, देखो ये हीरागाना लिखा है, ये जो है अल्फ़ाबेट हीरागाना में, इसको प्रोनंसिएशन को इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया है, आप इसको प्रोनंसिएशन कैसे करेंगे, ये हीरागाना, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया ए, जो आपका ये है, इसको आ पढ़ते हैं, इसको ई, ऊ, ए और ओ, ये आपके वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स, इनको वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, देन ये 5 जो अल्फाबेट्स होते हैं इनको बोलते हैं वॉवेल्स, आ, ई, ऊ, ए, ओ। ओके, आ, ई, ऊ, ए, ओ। अब इसको लिखते कैसे हैं देख लेते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ओ, ऑल 5 अल्फाबेट्स आर वॉवेल्स। देन नेक्स्ट है का, की, कु, खे, को, का, की, कु, के, को। ओके, इसको लिखते हैं का, की, कु, के, को। नेक्स्ट है शा, शी, सॉरी शी, ओके, इट्स नॉट एस आई, इट्स एस एच आई, शी, ओके, शा, शी, सु, से, सो, शा, शी, सु, से, शो। नेक्स्ट है आपका प्रोनंसिएशन में, जैसे भी आपने देखा प्रोनंसिएशन में का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो। नेक्स्ट है इसमें जो ता की लाइन होती है, इसमें दो हैं, इसमें ता के बाद ती या तू नहीं होता है, इसको ची और सु, टी एस यू, सु पढ़ते हैं, ठीक है। ता कैसे लिखते हैं, ता, ची, सु, ते, तो। नेक्स्ट है ना, नी, नू, ने, नो, ना, नी, नू, ने एंड नो। नेक्स्ट हा, ही,
इसको हु नहीं पढ़ते हैं, फु फु, हा ही फु हे हो, हा ही फु हे हो। नेक्स्ट मा मी मू मे मू, मा मी मू मे मू। हाँ, ये जब भी आप हीरा गाना की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज याद रखना कि हीरा गाना की प्रैक्टिस के समय में आपको स्ट्रोक ऑर्डर जो होते हैं, स्ट्रोक ऑर्डर कैसे लिखते हैं, उनमें बहुत ध्यान देना होता है। ओके, नेक्स्ट है या यू यो, या यू यो। नेक्स्ट रा री रू रे रो, रा री रू रे एंड रो। ओके, लास्ट थ्री वा वो, वा वो वा वो। लास्ट में आपको इसको, ये जो है इसको एन में, इसको ऐसे एन नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं ओके ओके। ये है आपका हीरा गाना, जिसमें मैंने हीरा गाना में आपको बताया 46 अल्फाबेट्स होते हैं। 46 अल्फाबेट्स में आपको किसको क्या प्रोनंसिएशन, किसका क्या प्रोनंसिएशन होता है, इसको लिखने का वे क्या होता है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट में बताया, फर्स्ट जो 5 होते हैं वॉवल्स होते हैं, रिमेनिंग जो 41 होते हैं वो 41 अल्फाबेट्स होते हैं हीरागाना में, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी से आप जब भी आप वर्ड मीनिंग करेंगे तो इसी से रिलेट करके हीरागाना में जो अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हीं से मिलकर आपकी वर्ड मीनिंग बनेंगी, ठीक है। जो कि आप आगे आने वाले वीडियो में आप देखोगे, कुछ मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो ग्रीटिंग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नाइट बोलना है, बाय बोलना है, या नाइस टू मीट यू बोलना है, इन सबसे रिलेटेड जो भी ग्रीटिंग्स होती हैं इनसे रिलेटेड एक वीडियो आएगा आपका, जिसमें आपको हीरागाना में और रोमाजी में मैं आपको लिख के दूंगा कि यहाँ इसको ये बोलते हैं। जो बिगनर्स होते हैं वो रोमाजी में आप लर्न कर सकते हैं कि रोमाजी में आपको ओहायो गोजाई मास को क्या बोलते हैं, शायोनारा को क्या बोलते हैं, ये सब आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा।